हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर देसी ब्लॉग। तो प्लीज फिर वीडियो देखिएगा और लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को बेल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज। थोड़ा सा मेरे मेहनत का ख्याल करके देख लिया कीजिए, शेयर किया कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाइए और फुल वीडियो देखिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट बच्चों की माननी चाहिए, प्लीज मान जाइए दोस्त, तो फुल वीडियो देखिए आनंद से। यहाँ फ्रेंड्स, मैं कपड़े उठा ले रही हूँ। ये कपड़े मैंने कल धुले थे और मैं रात को नहीं उठा के लाई थी क्योंकि गीला था और हवा चल रही थी, तो कपड़े सब हवा में सूख जाते हैं। और 2-3 दिन से यहाँ पे तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। आप लोग के यहाँ बताइए कैसा मौसम है? अगर हवा नहीं चले ना, धूप अच्छी निकल आए तो अब ठंड ख़त्म हो चुका है। ठंड का मौसम तो इधर जनवरी दिसंबर लास्ट और स्टार्टिंग जनवरी इधर लास्ट जनवरी तक मतलब रहता है। अभी है ठंडा, ऐसा नहीं है अभी है, बट अगर तेज से धूप होने लगती है ना तो ठंडक नहीं रहती। पिछले साल तो इस समय एकदम ठंडक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कपड़े उतार ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ नीचे। बाबू नीचे अकेले हैं, घर पर तो है नहीं, तो यहाँ पे देखिए तेरा है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। और बताएं आप लोग कैसे हैं? और अच्छे से कमेंट्स के लिए आप लोगों को बहुत सारा प्यार और थैंक्स, बहुत दिल से थैंक्स। सच में आप लोगों ने मुझे वो दिया है जो मैंने मांगा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला है। आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। और एक दिन मैं भी किसी मुकाम पे होंगी, मुझे इतना विश्वास है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे ना तो एक दिन ज़रूर हमको भी सफलता मिलेगी। अभी थोड़ा सा पीछे हूँ और कभी कभी कोई देखता है, लाइक कर देता है, कभी नहीं करते हैं। ये पता है एक वीडियो बनाने में बहुत वक्त लगता है, मतलब 5 मिनट की वीडियो रहते हैं बट उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसको एडिट करो और उसके बाद में बहुत सारा काम होता है। वही वीडियो मैं हर बार बोलती हूँ, प्लीज़ मेहनत का थोड़ा सा ख्याल करके आप लोग देख लिया कीजिए। मैं जानती हूँ आप लोगों के भी समय कीमती हैं, उन कीमती समय में अपना कुछ समय हमको दे दिया कीजिए, मेरी फुल वीडियो आज किया कीजिए ताकि जल्दी से मेरी WT पूरा हो जाए। तो यहाँ मैं इस समय मैंने बताया था ना, मेरे ससुराल में मतलब बुजुर्ग थे, ससुर लगते हैं बुजुर्ग थे, वो ख़त्म हो गए हैं, तो इसमें बस सादा सादा खाना रहता है, तो सादे में क्या बनाओ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे क्या रहता है ना, तो इसमें बस खाली नमक डालो और चढ़ा दो, ऐसे होता है, तेल ऊपर से डाल सकते हो, छौंका नहीं लगाया जाता है। आप लोग के यहाँ क्या ऐसा होता है? हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। और हमारे इधर साइड में 16 दिन पे होती है, 13 दिन पे तेल भी नहीं होती, 16 दिन पे होती है। तो अभी क्या है, हम लोग साबुन तेल वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते हैं, नहाने के लिए कोई साबुन और फेस वाश कुछ नहीं लगा रहे हैं, बाल में कंघा भी नहीं कर रहे हैं। आज तो मुझे 8 दिन हो गया मैंने बाल में कंघा नहीं किया है। अब 9 तारीख को बुधवार को उनका वो होता है ना शुद्धि, जो बाल वाल मुड़वाते हैं जिसमें, वो है, वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग फ्राई कर सकेंगे, उसी दिन हल्दी वगैरह पड़ेगा, तो उसके बाद में फिर छौंकने भूनने लगेंगे। अभी तो सब लोग सादा सादा खा रहे हैं। और मेरा तो सर दर्द हो रहा क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने बाल नहीं धुला, उस दिन धुलने जा रही थी, 7-8 दिन हो गया था। तो फिर इनकी भाभी का फ़ोन आ गया कि नहीं जो है नहाना वहाना मत, तो ख़त्म हो गए हैं। खैर बुजुर्ग थे बट ख़त्म हुए हैं तो सॉफ्ट मनाया जाएगा। तो यही सब रहता है हम इंडियन वाइफ का। अभी पता बहुत लेट हो गए, मुझे बहुत देर से नींद आ रही है, तो मैं सोची चलो एडिट करके वीडियो डाल देती हूँ। और मैं मुझे जल्दी से जल्दी अपने सब्सक्राइबर और बढ़ाने हैं। मैं सोच रही थी मेरे एनिवर्सरी तक मेरे 3 की हो जाए। देखो अभी तो काफ़ी बचे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी से मेरे 3K करवा दीजिए ताकि मैं अपने एनिवर्सरी पे कितनी देर नहीं जा रही हूँ बोल नहीं पा रहे। तो चलिए वीडियो फुल देखिएगा, ठीक है? हम तो मिलते हैं फिर आपको आगे।
फ्रेंड्स, यहाँ मैं बिस्तर साफ कर रही हूँ, मतलब ये तो रोज का काम रहता है। और बाबू वही खेल रहे हैं, बाबू बहुत मस्ती करते रहते हैं। हाँ तो हाँ, आप लोग कितने बजे सोते हो? मैं तो बहुत देर नींद आ रही मुझे तो। यहाँ बस वही चादर हटा के दूसरा चादर बिछाएंगे, देखिए वीडियो।
बाबू के साथ मस्ती कर रही थी, तो ऐसा बाबू के साथ खेले थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।